हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल ऑनलाइन अर्निंग में। दोस्तों देख सकते हैं, ये वो सब आइडिया हैं जो फेक वर्क कर रहे थे लोग। इनकी वजह से कंपनी को घाटा हो रहा था और इन्हीं लोगों की वजह से बहुत सारी कंपनियों में भी घाटा हुआ है। तो इन लोगों की फाइनली आईडी ब्लॉक हुई है और कंपनी के एमडी ने कहा है कि हो सकता हो कि 1% चांस है कि इसमें से कुछ लोगों की आईडी गलत ब्लॉक हुई हो। तो वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और जो है कि अगर उनकी आईडी सही निकलती है, मतलब कि अगर उन्होंने अपने मोबाइल पे एक अपनी आईडी के अलावा किसी और की आईडी लॉगिन करके टास्क नहीं पूरा किया होगा, तो उनकी आईडी ठीक कर दी जाएगी, उनकी आईडी एक्टिव कर दी जाएगी और उनका पैसा भी वापस आएगा। लेकिन बहुत ही कम चांस है क्योंकि कंपनी ने सही से देख के सिस्टम जो बनाया है उसके हिसाब से ही आईडी ब्लॉक की गई है। तो ऐसे लोगों की ही वजह से बहुत सारी कंपनियां बंद हुई और ये भी कंपनी बंद हो जाती अगर इस कंपनी के एमडी ने अगर इस पे ध्यान नहीं दिया होता और केवाईसी करना ज़रूरी नहीं किया होता और फेक वर्क को नहीं पकड़ा होता। तो ये भी कंपनी 99% चांस है कि ब्लॉक बंद ही हो जाती, लेकिन इन्होंने फेक वर्क को पूरी तरीके से रोक दिया है। इतना तेज़ी से रोका इन्होंने और इतनी ज़्यादा इस पे एक्शन लिया है इन्होंने कि एक पूरी PDF तैयार हो गई फेक वर्क करने की, फेक आईडी की, जिसमें कि 41 पेज आप देख सकते हैं कि 41 पेज तैयार किए गए हैं PDF के। अभी और भी आईडी बाकी होगी ब्लॉक करने के लिए, इतनी सारी आईडियां ब्लॉक हो गई हैं। और जो लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस हैं, जिसकी इसमें आईडी ब्लॉक हुई है पूरी तरीके से, वो कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने अपने मोबाइल पे एक से ज़्यादा आईडी लॉगिन नहीं की थी, तो वो सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं और कुछ अपडेट कल आने वाली है जिससे उनका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने अपने मोबाइल पे अपने आईपी पे एक से ज़्यादा आईडी ओपन की थी या नहीं की थी। मैं आपको एमडी सर का ऑडियो ही सुना देता हूँ, वो ऑडियो आप सुन लीजिए तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको उनका ऑडियो ही सुना देता हूँ। आप सभी को गिरीश भट्ट एमडी अल्बनी सर्विसेज का नमस्कार। दोस्तों आज हमने जो हमारा ब्लॉकिंग का टास्क था वो पूरा कर लिया है, जिसमें बहुत सारे लोगों को ब्लॉक किया गया है और कुछ लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि उनकी जो आईडी है वो कहीं पर भी मिसयूज मल्टीपल आईडीज में यूज़ नहीं हुई है। उस आईपी को हमने यहाँ से चेक करने के बाद उस आईडी के अगेंस्ट जो भी आईपीज यहाँ पर आई हैं उन आईपीज को हमने चेक किया है और उसके बावजूद ही आपकी आईडी ब्लॉक की गई है। ब्लॉकिंग एक सिंपल प्रोसेस है, हमारे पास जो डाटा अवेलेबल था ब्लॉकिंग के लिए उस डाटा में जितनी भी हमारी आईडीज ब्लॉक होनी थी उनको हमने एक साथ ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उनकी जो था पिछले 5-4 दिन से टेस्ट हो रहा था उनका हर एक का आईडी, जहां पर भी वो आईपी यूज हुई है, जिस आईपी में वो आईडी यूज हुई है वो आईपी के अगेंस्ट जितनी भी आईडी चेक की हमने उसमें जो भी मल्टीपल आईडी एक्टिविटीज पाई गई आईपी के साथ, यानी कि एक डिवाइस मल्टीपल आईडी वो पाई गई, तो उनको हमने सीधे सीधे उन आईडीज को यहाँ से ब्लॉक कर दिया गया है। ब्लॉकिंग एक जनरलाइज प्रोसेस है और ब्लॉकिंग हुए हैं तो मानना पड़ेगा कि आपसे गलती हुई है। अगर गलती आप कहते हो मेरे से नहीं हुई तो मैं कल सुबह एक रेफरेंस PDF भेजूंगा जिसमें हमने चेक किया है हर आईडी के अगेंस्ट जो भी आईपी जनरेट होती है उस आईपी को चेक करके ही हमारे एंड से ब्लॉकिंग का प्रोसेस हुआ है। इसलिए आप लोग अपनी जो आईडी है उसको उस आईपी वाले डॉक्यूमेंट से कल चेक करोगे, मैं उस रेफरेंस डॉक्यूमेंट को कल सुबह आप लोगों को दे दूंगा, 10 से 11 के बीच में आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट। आप क्रॉस चेक करेंगे अपने आईडी को उसमें कि आपकी आईडी
और उसका मैं वे भी बताऊंगा मॉर्निंग में, उसमें जो भी दिक्कत हुई होगी वो आप खुद रियलाइज करेंगे कि आपकी आईपी से आपने कितनी आईडीज देखी हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। उसके साथ साथ जिन लोगों को ब्लॉक किया गया है उनका पे आउट भी डिलीट किया है यहाँ से, तो उससे काफ़ी अपलाइन का पैसा भी यहाँ से हटा होगा, तो वो कृपया नाराज़ ना हो और नेगेटिव ना हो। वो कृपया जितनी भी आपके ब्लॉक लिस्ट है उस लिस्ट में अगर आपके कोई भी बंदे आए हैं और वो जेन्युइन हैं तो आप एक फाइनल रिक्वेस्ट मुझे परसों डालेंगे। परसों दिन में हम इसमें एक दो घंटे का टाइम लेंगे, जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी ओपन करने के लिए उन रिक्वेस्ट को हम यहाँ से एक बार चेक करेंगे, और चेक करने के बाद फाइनल जो होगा ब्लॉक और अनब्लॉक हो जाएगा। एक घंटे से दो घंटा देंगे, उससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, और जो पकड़े गए हैं अभी ब्लॉक लिस्ट में उनका मेनली आईपी से मल्टीपल आईडीज ओपन हुई हैं। वी आर डैम श्योर 1% का चांस है। उसी के लिए सभी लीडर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपनी डाउनलाइन की जितनी भी आईडी ब्लॉक हुई हैं उनकी, जिनकी जेन्युइन केस आपको लगता है उनकी आईडी आप हमें देंगे, वो भी परसों देंगे। हम चेक करेंगे, अगर वो आईडी में से कोई भी जेन्युइन आईडी होगी उसको ओपन कर दिया जाएगा, अनब्लॉक कर दिया जाएगा, अदरवाइज परमानेंटली ब्लॉक का जो प्रोसेस है वो हमारी तरफ से हो चुका है। एक ही किसी के लिए अन्याय ना हो, किसी लीडर की नाराजगी ना रहे, उसके लिए ये है कि जो कल रेफरेंस डॉक्यूमेंट में चेक करने के बाद आपको लगता है कि आपने मल्टीपल आईडी नहीं चलाई है तो आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। हम फाइनल चेकआउट करेंगे, उसके बाद आखिरी डिसीजन कंपनी का होगा ब्लॉक किया जाए या अनब्लॉक कर दिया जाए। अगर ब्लॉक किया जाएगा तो परमानेंट किया जाएगा, उसके लिए 500 रुपये जो फाइन का प्रोविजन है वो देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। तो आप कल सुबह तक वेट कीजिए, किसी को भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। एक जनरलाइज प्रोसेस के तहत सबको ब्लॉक किया गया है। अगर उनकी आईडी मल्टीपल एक आईपी से मल्टीपल आईडी खुली है, यानी कि एक डिवाइस से मल्टीपल आईडी खुली है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उनको ब्लॉक किया गया है। तो 1% चांस ह्यूमन एरर मैं बोलता हूँ, उसमें परसों को आप अपनी आईडी डालेंगे, जिनका हमें रिक्वेस्ट आएगा उनको एक बार चेक कर लिया जाएगा, और वो स्पेशल केस होगा, उसी केस पर मेरे को डालें टीम लीडर या मेंबर जिनका दिक्कत आई है और उनका केस जेन्युइन होता है। रेफरेंस पीडीएफ में उनके अपनी एक्टिविटीज को चेक कर लेंगे, कैसे चेक करना है ये मैं कल पे आपको अपडेट करूंगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग ही आगे रिक्वेस्ट डालनी है। ये नहीं है कि आप ऑलरेडी आपकी मल्टीपल आईडी में काम आईडी चल रही आईपी चल रही थी और आप कह रहे हो कि हम तो सही हैं जी, तो वो भी चेक होगा। तो इसलिए आप जो है निराश ना हो, नाराज ना हो, और एक मौका मिलेगा, जो जेन्युइन है उसी को मौका मिलेगा। फेक आईडी डिटेक्शन हमारे एंड से हो चुका है, अगर किसी का जेन्युइन केस है वो परसों को हमें ही रिक्वेस्ट लगा सकता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी आईडी अपने मोबाइल में अपनी ही आईडी ओपन की थी, इसके अलावा किसी की आईडी नहीं ओपन की थी और ओपन करके टास्क नहीं पूरा किया था, तो वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं कंपनी के। कंपनी अभी कल अपडेट मिलेगा, जो जैसे ही अपडेट मिलता है तो कोई नंबर जो मिलता है उसके लिए, तो उस वो नंबर मैं आपको कल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो नंबर मिल जाएगा, कल जैसे ही अपडेट आएगा आपको वो नंबर मिल जाएगा जिस नंबर पे आपको रिक्वेस्ट भेजनी है। अगर आपने एक से ज़्यादा अपने मोबाइल में आईडी लॉगिन नहीं की है तो ही आपकी आईडी लॉगिन होगी, वरना आपकी आईडी ब्लॉक ही रहेगी और पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि इस कंपनी में फेक वर्क करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। जो जेन्युइन तरीके से वर्क करता है, जो सही से वर्क करता है, वही इसमें काम करेगा, और जिससे कंपनी को भी प्रॉफिट है और मेंबर को भी प्रॉफिट है और लीडर को भी प्रॉफिट है। मैं ये इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि अगर कंपनी चलेगी तभी तो इनकम आएगी। मान लीजिए आज हम टीम बना के खड़ी कर देते हैं और फेक वर्क होता रहेगा तो कंपनी ही बंद हो जाएगी, तो हमारी टीम किसी काम की नहीं होगी। तो कंपनी चलेगी तभी इनकम आएगी, कंपनी बंद तो सब कुछ बंद। तो इन फेक वर्क करने वाले को हटाना ज़रूरी था, और आप भी जानते हैं ये कितना ज़रूरी था।
इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।